तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का एमएससी बॉटनी पेपर। ये आप देख सकते हैं 2021 का पेपर है। तो चूंकि बहुत सारे बच्चे कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम भी देते हैं, तो जो बच्चे इस साल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर या कश्मीर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देने वाले हैं तो उनके लिए स्पेशली है। चलिए देख लेते हैं क्या आया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के एमएससी बॉटनी पेपर में। पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो पेपर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसमें दो पार्ट्स होते हैं जो कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में नहीं होते। इसमें पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स की अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं। तो ये सब आप लोगों को पता ही होगा, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। तो पार्ट ए में जैसा कि मैंने कहा इसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले चार क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख रहे होंगे, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जो कोई स्टूडेंट ये पेपर पीडीएफ की फॉर्म में चाहता है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना ईमेल जो है मेंशन कर सकता है, तो मैं डायरेक्टली उसको उस ईमेल पे इसका डाउनलोड लिंक या पीडीएफ ही सेंड कर दूंगा। तो पार्ट ए में आप पहले चार क्वेश्चंस अच्छे से देख रहे होंगे, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के बाद के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अप टू 1 to 4 क्वेश्चंस आपने देख लिया, अब यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और साथ साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी देख सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 देख पा रहे होंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16 देख पा रहे होंगे। वो क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 आप देख पा रहे होंगे। अप टू 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22 आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25। तो 25 क्वेश्चन होते हैं पार्ट ए में, इसके साथ ही पार्ट ए जो है ख़त्म हो जाता है। अब पार्ट बी पर हम आते हैं, तो पार्ट बी आप देख सकते हैं यहाँ पर 26, 27, 28 आप लोगों को क्वेश्चन नंबर दिख रहे होंगे, और इसमें मैंने जो है आंसर की भी इस्तेमाल किए हुए हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आ सकते हैं, या आप चाहे तो इसका भी एक एक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31 एंड 32 आप लोगों को अच्छे से दिख रहे होंगे, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 एंड 36 देख पा रहे होंगे, तो आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39, 40 एंड 41। वो अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। इस पर आप देख सकते हैं 42, 43, 44, 45, 46 एंड 47 आप लोगों को दिख रहे होंगे अच्छे से गए हैं। तो अब 48 क्वेश्चन पर आते हैं, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 48 एंड 49 देख पा रहे होंगे, आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर 54 तक देख पा रहे होंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 55, 56, 57, 58 एंड 59 आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, 61, 62 आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं,
तो यहाँ पर 63, 64 एंड 65 आप लोग देख पा रहे होंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 66, 67, 68, 69 एंड 70 देख पा रहे होंगे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71, 72 एंड 73 भी दिख रहा होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 74, 74, 75, 76 एंड 77 आप लोगों को अच्छे से दिख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 78, 79, 80, 81 एंड 82 दिख रहे होंगे। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 83 क्वेश्चन पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 83, 84 एंड 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 86, 87, 88, 89 एंड 90। अब टोटल 10 क्वेश्चन रिमेनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 91 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 91, 92, 93, 94 एंड 95 आप लोगों को अच्छे से दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 96 पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96 एंड 97 आप देख पा रहे होंगे। अब लास्ट तीन क्वेश्चन रह गए हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो 98, 99 एंड 100 क्वेश्चन, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर का एंड हो जाता है। तो ये तो था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का एमएससी बॉटनी पेपर। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई पेपर चाहिए होगा तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है, मैं उसे वो पेपर जो है ला कर दे दूँगा।